लगातार एक व्यक्ति को तीन बार चार बार जाकर जांच करना, परेशान करना, ये शोभा नहीं देता। कहने के इससे यही माना जाता है कि विपक्षियों को तंग करने का ये बहुत बड़ी साजिश है। कि झुंझुना पकड़ने वाले हमारे नेता सनो प्रणाम मुकेश सनी जी नहीं है। चुनाव का जो परिणाम आएगा उससे पता चल जाएगा कि हम लोग को जमानत जब्त हो जाएगा, क्योंकि किसका जमानत हम लोग जब्त करा देंगे। छात्र हित की बातों को जो स्नातक के छात्र छात्राएं उनके हित के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके जो मिलना चाहिए उसके हक अधिकार उसके लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो निषाद समाज को न कभी भूले हैं और न ये कभी भूलने वाले हैं। सारण में अपना कैंडिडेट उतार के किसके दिखाना चाहते हैं आप लोग? किसी को हम लोग दिखाना, हम लोग नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, महागठबंधन के लोग लगातार यह कहते नजर आते हैं कि वाई सुरक्षा और जेड सुरक्षा की बात वो कहते नजर आते हैं कि ये सब जो सुरक्षाएं हैं ये वही लोगों को मिल रहा है जो बीजेपी के चाटुकार हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए वीआईपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, जो कही जाती है कि जो चाटुकार लोग होते हैं उन्हें एक्स मतलब सुरक्षा, वाई सुरक्षा, जेड सुरक्षा मिलता है, और जो उनके चाटुकार नहीं होते हैं वहाँ पर सीबीआई और ईडी पहुँचती है। देखिए, सबसे पहली बात है रूपम जी की राजनीति में इस प्रकार का भाषा का प्रयोग तो अच्छा नहीं लगता। लोकतंत्र में चटुकारिता का परिभाषा जो लोग बोले वो बता दे। हर लोग किसी न किसी का चटुकारिता किया जब वो खुद बोल रहे तब। लेकिन इस बात का हमें भी दुख है कि सीबीआई और ईडी जो जांच एजेंसी है एक तरफा जो काम कर रहा है, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। क्योंकि देश के जनता को और बिहार की जनता को ईडी और सीबीआई पे काफ़ी भरोसा होता है। उनको काम राजनीति से अलग हटके निष्पक्षता के ओर पे करना चाहिए। देखिए, सीबीआई ईडी का जो काम है, अगर उनको किसी प्रकार का शक लग रहा है तो जांच कर रहे हैं, तो एक आध बार में उनको जांच को स्पष्ट कर देना चाहिए। लगातार एक व्यक्ति को तीन बार चार बार जाकर जांच करना, परेशान करना, ये शोभा नहीं देता। कहने के इससे यही माना जाता है कि विपक्षियों को तंग करने का ये बहुत बड़ी साजिश है। तो ये बात को हम दुखद है कि सीबीआई ईडी का जो ये प्रकार का, लेकिन चटुकारता अगर कोई बोल रहा है कि चटुकारता करने वाले को वाई प्लस का सुरक्षा मिल रहा है, ये गलत बात है। वाई प्लस का सुरक्षा आईबी की रिपोर्ट के अनुसार मिलता है, और आईबी की रिपोर्ट में कभी नहीं बताया जाता कि जो चटुकारता करेगा उसी को, कभी ऐसा है कि चटुकारता करने वाले को वाई प्लस? सरकार को जिसको सपोर्ट है उसी को तो वाई सुरक्षा? ऐसा कुछ नहीं है भैया। हमारे नेता सनो प्रणाम मुकेश सनी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहीं एक पार्टी का तरफा सपोर्ट बोलते हैं क्या? हम जनता की बात करते हैं, हम पिछड़ा थी पिछड़ा की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं। आरजेडी तो बोली थी कि भाई हम लोग भी बड़े पार्टी हैं, हम लोग विपक्ष में थे, हम लोग को तो तेजस्वी यादव को तो नहीं दिया गया। अब देखिए, अब किनको दिया गया किनको नहीं दिया गया, आईबी के आईबीएस उनको मांग करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि हमको क्यों नहीं मिला, इनको क्यों मिल गया। चिराग पासवान भी जब समर्थन करने लगे बीजेपी को उनको मिल गया। उपेंद्र कुशवाहा जदयू से हटे, वो भी समर्थन में मतलब कहा ही जा रहा है, उन्हें भी। देखिए, जांच एजेंसी जांच करके किसी व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराती है। हमारे नेता सनो प्रणाम मुकेश सनी जी लगातार आईबी को या गृह विभाग को लगातार लिखे थे कि हमको सुरक्षा चाहिए, आज जरूरी था। कारण क्या था कि हमारे नेता सनो प्रणाम मुकेश सनी जी लगातार क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, और खास तौर पे ये कुछ दिनों में इन्होंने नक्सली क्षेत्र का दौरा किए, जिसके कारण खतरा हम लोग को महसूस हुआ था और सुरक्षा मिला है। तो सुरक्षा को अगर किसी राजनीतिक गठबंधन के दायरे से देखा जाएगा वो सही नहीं है। सुरक्षा मिलता है आपको देख हमलावर के अनुसार से, या आपके पास क्या आईबी का रिपोर्ट होता है उसमें देखा जाता है कि इनको किस प्रकार का कहा। तो ये भी जा रहा है जैसा कि लोग कह रहे हैं, महागठबंधन के लोग जैसा कि कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह से जितने भी जो पार्टियां जो अलग है महागठबंधन से, उन्हें सबको वाई सुरक्षा और जेड सुरक्षा ये सब देकर ना झुंझुन्ना पकड़ाया जा रहा है, और बीजेपी में फिर धीरे धीरे उन्हें मिलाया। देखिए, झुंझुन्ना पकड़ने वाले हमारे नेता सनो प्रणाम मुकेश सनी जी नहीं है। आपको ये पता होगा, अगर इनको किसी चीज़ का लोभ होता, मंत्रिमंडल का लोभ होता, तो ये उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव नहीं लड़ते हम लोग, है ना बात। लेकिन हम लोग जनता के हित की बात करते हैं, जनता का जो मुद्दा होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। हम लोग किसी के झुंझुन्ना और झुंझुन्नी में फंसने वाले लोग नहीं है। हम लोग जनता पे विश्वास रखते हैं, जनता जो कहता है वो कामों पर हम लोग विश्वास करते हैं। देखिए, हम लोग अभी किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये सही मायने में माली जवान नेता सनो प्रणाम मुकेश सनी साफ तौर पर इस बात को स्पष्टता करते हुए कल परसों का प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कह दिया भी है कि हम अभी किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, अभी हम लोग पार्टी को मजबूती करने पर लगे हैं, और आने वाला चुनाव में जो हमको सम्मान देगा, जो हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जो खड़ा होगा, हम उसके साथ गठबंधन करने का विचार करेंगे। अब कौन होगा नहीं होगा वो हमारे शीर्ष नेतृत्व में तय करेंगे। सारण से आप लोग अपना उम्मीदवार उतारे हैं, क्या लग रहा है कि और भी जो लोग का बीजेपी हो या जदयू का उम्मीदवार उतारा उस पर खड़ा टिकेंगे, मतलब जमानत भी जब्त हो जाएगी? ऐसा कोई बात नहीं है। आपको तो चुनाव का जो परिणाम आएगा उससे पता चल जाएगा कि हम लोग को जमानत जब्त हो जाएगा, क्योंकि किसका जमानत हम लोग जब्त करा देंगे।
ये देखिए हमारा जो वहाँ के प्रत्याशी हैं वो क्षेत्र के बने हुए प्रत्याशी और स्नातक छात्रों के बीच बने रहने वाले हैं, उनके मुद्दे के साथ खड़े रहने वाले प्रत्याशी हैं। हमने वैसे प्रत्याशी को जनता के सामने जाके दिया है, ना कि चुनाव के समय जाके मेढक की तरह टटराने वाले क्षेत्र वाले नेता को नहीं चुना है। हम लोग जनता के बीच रहने वाले, छात्रों के बीच रहने वाले नेताओं को टिकट दिया है और क्षेत्र में स्नातक की छात्र छात्राओं का भरोसा है हमारे प्रत्याशी पर, हमारा प्रत्याशी जीतेगा भी चुनाव। एक चीज़, एक सवाल और है जो मेरा पल्ले नहीं पड़ रहा है, जो कि हमेशा मुकेश सहनी यही कहते नजर आते हैं कि भाई सहनी को देखने वाला निषाद परिवार को कोई नहीं पूछता है, निषाद परिवार बार बार निषाद परिवार को ये नाम ले लकर वो मतलब गोलबंद कर रहे हैं, लेकिन सारण में उन्हें कोई क्या निषाद परिवार नहीं दिखा था? राजपूत बहुत ऐसा वो खेल, मतलब ये जो राजनीति में वो जो कर रहे हैं, और भी पहले का अगर चुनाव ले लिया जाए तो राजपूत और भूमियार यही सब देख के क्यों उतार, देखिए क्यों उस समय उन्हें निषाद नहीं समझ में आता है? जब तक उनका एक जातीय संगठन था, उन्होंने जाति की बात की, आज भी निषाद समाज के रक्षण की बात माननीय मुकेश सहनी जी करते हैं, लेकिन देखिए एक पार्टी है, पार्टी किसी जात से नहीं चलता है, पार्टी जमात से चलती है, और आज के समय में हमारे पार्टी के पास हर जात और हर धर्म के लोग हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं। वो भी जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि निषाद को नहीं पूछता है, तो हो सकता है वो लोग भी को लगता होगा कि राजपूत और भूमियारी ज्यादा ये है, ये ऐसा कुछ है। हमारे पार्टी में सबका सम्मान है, हमारे पार्टी में देखिए अब पार्टी में सबका सम्मान है रूपम जी, और देखा ये जाता है कि जनता के बीच कौन काम कर रहा है, जो स्नातक के छात्र छात्राएं किन से प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग ऐसा कैंडिडेट हर जाति धर्म के लोगों को कैंडिडेट हम लोग बना रहे हैं, और आज के समय में वीआईपी पार्टी का कुनबा लगातार हर जाति का लोगों का बढ़ रहा है, तो हमारी पार्टी अब किसी जाति का नहीं रहा, हमारा पार्टी जमात का हुआ। बात रहा निषाद समाज की, तो निषाद समाज के लगातार मुकेश सहनी जी संघर्ष कर रहे हैं, और उनका ये आइडियोलॉजी भी है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, और जो आरक्षण देगा हम उसके साथ जाएंगे। तो निषाद समाज को न कभी भूले हैं और न ये कभी भूलने वाले हैं। सारण में अपना कैंडिडेट उतार के किसके दिखाना चाहते हैं आप लोग? किसी को उन्होंने दिखाना, हम लोग छात्र हित की बातों को, जो स्नातक के छात्र छात्राएं उनके हित के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके जो मिलना चाहिए उसके हक अधिकार, उसके लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे। चलिए एक बार पीछे का सवाल पे फिर से हम आते हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, देखिए हाँ बिल्कुल, देखिए ईडी और सीबीआई का जांच जब करना ही है तो सब लोगों पे करना चाहिए, तब पता चल जाएगा कि जनता का पैसा कौन लूट रहा है, किसके पास जा रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर टारगेट करके अगर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा जाएगा तो ये कहने का इसका माना जाएगा कि जांच एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, और जांच एजेंसी से भी हमारे निवेदन है कि देश के जनता, सामान्य जनता आपसे भरोसा करता है, आप पे भरोसा करता है, और आपको निष्पक्ष होकर इसकी जाँच करना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। तो वीआईपी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि यह भी मान रहे हैं, इनका भी यही कहना है कि सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, और इस तरह से नहीं करना चाहिए। पहले ही इन लोगों को बुलाकर कई बार पूछताछ किया ही जा रहा गया है, तो फिर से आखिर इस तरह से किसी को तंग क्यों किया जा रहा है? और आपने देखा ही कि किस तरह से एमएलसी चुनाव पर भी इन्होंने बहुत कुछ बोला है कि हम लोग अपना वहाँ पर जमीन तैयार कर रहे हैं और हम लोग दिखा देंगे कि जमानत किसकी जब्त होगी। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।